शिवसेना सेकुलर भी नहीं है यार, शिवसेना नौकंटी नौटंकी कर रही है। अजान की कोई स्पर्धा होती क्या? अपमान कर रही है प्रार्थना का। तुम मुस्लिम लोगों के खिलाफ जाना चाहिए उसके। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। आने वाले समय में बीजेपी की तरफ से एक अच्छा प्रोग्राम, एक अच्छी स्पर्धा लेकर आए हैं कि शिवाजी महाराज की ज़िंदगी को लेकर जो अलग अलग तरीके से हमने देखा है कि कलाकार कला पेश करते हैं, उसी तरह बीजेपी ने जो है एक बहुत अच्छी स्पर्धा रखी है। लेकिन पत्रकार परिषद में जिस तरह कहा गया है कि जिस तरह शिवसेना पार्टी ने अजान की स्पर्धा रखी है, क्या वो संभाजी महाराज को उसका इस तरह की स्पर्धा रखेंगी? अब इसको लेकर एक चीज़ समझ में आती है, क्या सियासत को टन देने की कोशिश की जा रही है? हमारे साथ बीजेपी के जो है शहर अध्यक्ष संजय केने के साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। सर, जैसे पत्रकार परिषद में आपने कहा कि शिवसेना जिस तरीके से अजान की स्पर्धा ले रही है, क्या वो संभाजी महाराज शिवाजी महाराज की ज़िंदगी को लेकर स्पर्धा नहीं लेती? तो साहब, आपको नहीं लगता कि सेकुलर माइंड रखकर अगर सरकार चलाया जाए तो अच्छी चल सकती है, या सिर्फ हिंदुत्व या मुस्लिम या दलित को लेकर स्पर्धा चलाई जा सकती है? भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की धरार को मुद्दे नज़र रखते हुए, छत्रपति शिवाजी हमारा अर्ध दैवत है, इनको लेकर शिव गायन स्पर्धा रखी है। और शिवसेना जो नौटंकी कर रही है धर्मनिरपेक्षता का, अपना चेहरा अल्पसंख्यक के नज़र में लाने के लिए, मुस्लिम समुदाय के नज़र में लाने के लिए जो बात कर रही है वो नौटंकी है। क्योंकि एक तो मुस्लिम समुदाय का जो अजान स्पर्धा है, इसके ऊपर ही मेरा आक्षेप है कि अजान स्पर्धा नहीं हो सकती है, ये प्रार्थना है, ये मस्जिद में ही हो सकती है। इसको चौराहे में और किसी भी तरह से ये स्पर्धा करना, किसी भी तरह से अजान को मुंह से निकालना, ये जायज़ नहीं है। मुस्लिम धर्म में भी ये जायज़ नहीं है। मुझे तो इस स्पर्धा पे भी मुस्लिम धर्म ने आक्षेप लेना चाहिए था, क्योंकि अजान एक प्रार्थना है, उसकी एक प्रार्थना करने की एक तरीका है। वो तरीके को डावलते हुए इस प्रार्थना का अपमान शिवसेना के पदाधिकारी नेता ने किया। दूसरी बात, ये नाटक उन्होंने किया मुस्लिम समुदाय को नजदीक करने के लिए, लेकिन वो अजान को लेके अजान का अपमान किया है। और दूसरी, इधर जो शिवसेना अजान के बारे में बोलती थी, जब तक भोंगे उतरेंगे नहीं तब तक शिवसेना का संघर्ष चालू रहेगा, ये हृदय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे हरदम कहते आ रहे। और वही शिवसेना आज अजान की स्पर्धा रख के मुस्लिम उनको प्रार्थना का अपमान उनको समझ में नहीं आया, लेकिन हमने शिवसेना को उनका जनता को जो धुलपेक है हिंदू जनता और मुस्लिम जनता को, उनका भेद सामने लाने के लिए हमने शिव गायन स्पर्धा रखी। गायन हमने प्रार्थना की स्पर्धा नहीं रखे और गायन की स्पर्धा रखे। निश्चित रूप से जिनको अपने विचारों का ये भूल गए, जो विचारों को भूल गए, अपने हृदय हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के ठाकरे को भूल गए, उनके मुद्दों को भूल गए, उनको जनता को धुलफेंक करने की याद हम जनता को दे रहे कि ये कैसे हिंदू जनता के नजरों में धूलपैक कर रहे हैं, मुस्लिमों को तो किए हुए है। अच्छा सर, ठीक है, अगर आप जैसे कह रहे हैं कि शिवसेना ने अजान की स्पर्धा की है, तो आप उसके साथ साथ शिवाजी महाराज साथ साथ एक मुस्लिम के लिए से नाते होती हैं, उनके अंदर कवाली होती है, तो वो इसके साथ साथ आप क्यों नहीं जोड़ते सर? आज तक हमने मुस्लिम धर्म के कोई भी प्रोग्राम को विरोध नहीं किया, गजल हो कवाली हो कोई भी प्रोग्राम को विरोध नहीं किया, लेकिन हमने शिवसेना ने जो दिखावा काम किया है उसका हमने सही तरीके से जनता के सामने उसको ना उनका चेहरा पर्दाफाश करने के लिए बताया। ये जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उसके अंदर अब एक कव्वाली का अलग से एक शिक्षण बनाकर उसमें नाथ है, ये हो तो मुस्लिम समाज को आप भी जोड़ सकते हैं। हो सकता है शिवसेना ये सोच रही है कि इसके एक प्लेटफॉर्म से मुस्लिम और हिंदू एक हो जाए, या कहीं ना कहीं एक सेकुलर माइंड हो जाए। नहीं, हो सकता है वो रखे होंगे शिवसेना। नहीं 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 नहीं, ये शिवसेना का उनका एजेंडा बदलने का काम है, हम लोगों को बता रहे हैं। हम तो भाजपा हिंदू के साथ भी है, मुसलमान के भी साथ है, हमने कभी फर्क नहीं किया। इसलिए कि हमको कोई बताना नहीं है कि हम मुसलमान के नजदीक है और हिंदू के दूर है। हम ये शिव गायन स्पर्धा है, हम हिंदू के उतने नजदीक है जितने मुसलमानों के है। अच्छा सर, अभी जैसे हमने देखा है कि अभी एक पत्रकार परिषद में कहा गया है कि एमआईएम में और शिवसेना में कोई फर्क नहीं रहा,
अभी जैसे अभी साहब ने कहा कि एमआईएम में और शिवसेना में कोई फर्क नहीं रहा, सब एमआईएम जो है अभी खासदार जो चुनकर आए हैं इम्तियाज जलील, इनका काम आप देखिए पिछले 20 सालों से जो काम नहीं हुआ, जिस तरह में आपने मिलकर इलेक्शन लड़ा 20 सालों से जिनको चुनकर लाया वो काम में और ये काम में जमीन आसमान का फर्क रह गया सर, आप भी इस बात को जानते हैं, फिर एमआईएम और शिवसेना एक कैसे हो गई सर आपकी नज़रों में? देखो एमआईएम की जो सोच है वो शिवसेना की सोच बनती जा रही है। एमआईएम जिस तरह से यहाँ का सामाजिक अस्थिरता फैलाने चालू करी है वैसे ही शिवसेना ने सामाजिक अस्थिरता फैलाने चालू करी है, अपना चेहरा मुकुटा बदलते हुए इस समाज की शांतता को भंग करना चाहती है। अच्छा सर ठीक है, अभी आप बता रहे कि बीजेपी सेकुलर है, ठीक है, शिवसेना नहीं है, एमआईएम नहीं है, कांग्रेस नहीं है, राष्ट्रवादी नहीं है, सेकुलर बीजेपी है, तो फिर सर जो किसान वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं कई मर गए हैं, फिर क्या बीजेपी और इंतजार कर रही है कि और किसान मर जाए उसके बाद में फिर हम सोचेंगे बात करने का देखेंगे? अरे भाई किसानों का कहाँ आंदोलन है, दलालों का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन नहीं है, दलाल जो दलाल आंदोलन कर रहे हैं वो किसानों का आंदोलन नहीं दलालों का आंदोलन है। तो सर आपको क्या लगता है कौन दलाल हो सकते हैं? ये देखो किसानों को चेहरा लगा के जो दलाल आंदोलन करवा रहे हैं उनका आंदोलन है, किसानों के लिए तो सहायता खड़े की है 50 साल के बाद, ये सबसे बड़ा किसानों के लिए निर्णय लिया गया है, जो अपना माल गली में भी बेच सकते हैं दिल्ली में बेच सकते हैं और अपने दिल से। अच्छा सर ठीक है, अभी इस पर तो आप रख रहे हैं, इसमें अगर मुस्लिम समाज अगर कोई कला पेश करना चाहे या आ रहे हैं कव्वाली टाइप जैसे कहा कि उनके लिए भी अब दरवाजा खुला है सर? एक बात बोलता हूँ, शिव गायन स्पर्धा मेरा मुस्लिम भाई मेरा मुस्लिम बहन ये गायन स्पर्धा में भाग ले सकती है, महाराष्ट्र में कहीं भी गायन स्पर्धा हो, हम मुस्लिम और मुस्लिम समाज के और अजान के खिलाफ नहीं है, हम बता रहे हैं जिन्होंने अपना चेहरा बदल दिया, जिन्होंने अपने विचारों को कुदल दिया, जिन्होंने हिंदू हृदय सम्राट माननीय साहब बाला साहब ठाकरे को पूछने का काम कर दिया, साफ करने का काम कर दिया, उन लोगों के चेहरे बता रहे हैं हम। आखिरी सवाल सर मेरा, पिछले दिनों पिछले साल जो है जब बीजेपी की सरकार थी उस वक्त सोनू निगम ने कहा था कि अजान जो स्पीकर जिस पर बवाल चला था सर पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने देखा था, जब बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा एक्शन नहीं आया था कि नहीं हम अजान के समर्थन में हैं हम अजान के खिलाफ नहीं हैं उस वक्त, तो एक बात बोलो बीजेपी ने कोई मंच पे बताया नहीं कि हम अजान के खिलाफ है या भोंगे के खिलाफ है, बीजेपी कभी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बीजेपी जो भी धर्मी है उसको उसके अख्तियार में जो उसका धर्म की पालन करने के लिए कभी भी मुबा है। नहीं मतलब शिवसेना सेकुलर भी नहीं है यार, शिवसेना नौटंकी कर रही है, अजान की कोई स्पर्धा होती क्या, अपमान कर रही है प्रार्थना का, तुम मुस्लिम लोगों ने खिलाफ जाना चाहिए उसके। ये थे हमारे संजय सर जो कह रहे थे कि आने वाले वक्तों में बीजेपी की तरफ से बहुत बड़ा स्पर्धा ली जा रही है, आप भी उसमें जो है हिस्सा ले सकते हैं, इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कैमरामैन ज़ियाउल हक़ के साथ मैं अल्ताफ़ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।